selling. नमस्कार दोस्तों, मैं अभी हूँ वेस्ट अफ्रीका में और आज मैं आपको दिखाऊंगा वेस्ट अफ्रीका का एक लोकल मार्केट। तो अफ्रीका का लोकल मार्केट देखने के लिए मेरे साथ चलिए, आपको लेके चलते हैं मार्केट के अंदर और आज जाएंगे पैदल पैदल। अफ्रीका का लोकल मार्केट इंडिया के मार्केट की तरह ही होता है, लेकिन यहाँ पर दिक्कत ये है कि मैं अगर अकेला मार्केट में जाऊंगा तो शायद हो सकता है कुछ चीज़ों का दाम ज़्यादा देना पड़े, तो इसलिए हमेशा एक लोकल बंदे को साथ में रखना ज़रूरी है। तो चलिए मेरे साथ, आपको लेके चलते अफ्रीका का लोकल मार्केट में और उस मार्केट में क्या क्या सामान मिलता है, लोकल मार्केट कैसा होता है, सारा जानकारी आपको देंगे। देखिए, ये सामने जो आपको लेफ्ट साइड में दिख रहा है ना, ये है इस देश का लोकल ब्रेड। यहाँ के लोग ये ब्रेड बहुत खाता है, सुबह शाम दोपहर हमेशा ये ब्रेड खाता रहता है। तो ये ब्रेड यहाँ पर बहुत फेमस है, लंबा सा है और रोड के साइड में ऐसे खुला ही बिकता है। धूल मिट्टी पता नहीं क्या क्या चीज़ इसमें लगता है, बट फिर भी ये ब्रेड यहाँ का लोकल ब्रेड है। तो मैं अभी हूँ वेस्ट अफ्रीका का एक छोटा सा देश सियेरा लियोन पे और ये है सियेरा लियोन का बो सिटी। बो सिटी का ये है सेंटर ऑफ द बो, ये है लोकल मार्केट और यहाँ पर मैं आ चुका हूँ और आपको दिखाएंगे इस देश का लोकल मार्केट कैसा होता है। अगर आप जॉब करने के लिए यहाँ पर आना चाहते हैं तो आप पहले से देख लीजिए कि वेस्ट अफ्रीका का लोकल मार्केट कैसा होता है, और अगर बिजनेस करने के लिए भी आ रहे हैं तो पहले से आपको जानकारी होना चाहिए। देखिए यहाँ पर एक मजेदार चीज, यहाँ पर सीडी कैसेट बिक रहा है। इंडिया में बहुत साल पहले सीडी कैसेट बिकता था, अभी तो बंद भी हो चुका है। सीडी मशीन किसी के घर में है ही नहीं, बट ये देश बहुत ज़्यादा पीछे चल रहा है। देखिए यहाँ पर मेरे को इंडियन मूवी भी दिखा है, इंडियन मूवी में यहाँ पर मेरे को दिख रहा है ये साउथ इंडियन मूवी है, हाँ साउथ इंडियन मूवी है, और ऊपर मेरे को दिख रहा है धूम 3। तो यहाँ पर इंडियन मूवी भी चलता है। नहीं, पहले यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंडियन मूवी का क्रेज़ था, बट बाद में जाकर के अभी थोड़ा सा कम हुआ है। अभी ज़्यादा नाइजीरियन और टिकटॉक देखता है यहाँ के लोग, लेकिन सीडी कैसेट अभी भी चलता है। हम लोग अभी रोड के दूसरे साइड आ चुके हैं और दूसरे साइड में देखिए अंदर दुकान है, उसके सामने और फिर से दुकान लगाया गया है। इंडिया के किसी शहर की तरह ही है, ऐसे कोई अजीब चीज़ नहीं है। तो आपको ये मार्केट पूरा आज घूम के दिखाएंगे, ये मार्केट में क्या है पूरा स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक दिखाएंगे और कुछ नया चीज़ आपको देखने को मिलेगा। देखिए ये लेफ्ट साइड में राइस दिख रहा है, ये राइस इंडिया का किसी खेत में उगा होगा क्योंकि ये राइस इंडिया से इंपोर्ट हुआ है। तो सियेरा लियोन में जो भी ज़्यादातर राइस मिलता है वो सारा इंडिया से इंपोर्ट होता है। Yeah, I'm not sure if you're going to be able to do that.
The cover you mean? The pouch. Yeah. Amadou. आपको मार्केट दिखाते हुए और घूमते घूमते मैंने अपना मोबाइल का बैक कवर भी चेंज कर चुका हूँ। देखिए ये लेफ्ट साइड में जो प्लास्टिक में बिक रहा है ना, ये है सीमेंट। ये सीमेंट को प्लास्टिक में छोटा छोटा पोर्शन बना करके इसको बेचता है 10 लियॉन्स 20 लियॉन्स में। ये राइट साइड में जो बस गया, ये सियरा लियोन का गवर्नमेंट बस है, गवर्नमेंट बस सर्विस है। बहुत कम चलता है बट फिर भी चलता है। You know, this is Cameron. How are you? This is my friend Mr. Bouye from Sierra Leone. Yes, Mohamed Jagite. Mohamed Jagite? From Sierra Leone, Bokakua. Bokakua? Yes. Okay. So how are you? Roji? How are you? How are you? How are you? How the body? I did do fine. Fine, huh? Yeah. So you are selling mobile phone here? Yeah, okay. Yeah. So you want to say something? Yeah, no, I okay, sir. You okay? Yeah. Okay. Thank you very much. Shop is no problem. Call is looking okay. Give her my kisses to you. She be my Yeah, for my wife's dream too. Why cannot buy one sunglasses? One sunglasses. How is this bike? Good, huh? How is this bike? How old? पर बेच रहे हैं बंदर का गोश्त, और बंदर का गोश्त को गोश्त करके बेचा जा रहा है। ये है बंदर का गोश्त, राइट साइड में, और लेफ्ट साइड में बेच रहे हैं चिकन कलर। For what is that? What is that? Chicken? Yeah. So why you are not eating chicken? Yeah, real life eating. Huh? Mama, what is this? Huh? Anyway, the rose. This? That one from me. One from me. This is our favorite market. How much is this one? This one also 20? What about...
from here. They can't be. How much is one? 5,000. You know what I mean? You know, get one carrot or one cucumber. Yes, I get one. Hey, mommy, look for me. One carrot is no more. One cucumber. If I buy this, I know they will not. चलिए आगे चलिए। देखिए इस देश में अभी क्रिसमस का पूरा तैयारी चल रहा है, जिसके कारण रोड पे लोग ज़्यादा नहीं है, बट ज़्यादा होता है नॉर्मल दिनों में, क्योंकि आज पुलिस खड़ा है हर मोड़ पे और हर जगह पे। पुलिस किसी को रास्ते पे खड़ा होने का मौका नहीं दे रहा है, खास करके गाड़ी लगाना, बाइक लगाना किसी को मौका नहीं दे रहा है। देखिए ये लेफ्ट साइड में कुछ साड़ी जैसा कुछ बिक रहा है, जो लड़की लोग यहाँ पर लुंगी की तरह इसको इस्तेमाल करता है। देखिए इस देश में मेल से फीमेल आपको रास्ते में ज़्यादा दिखने को मिल जाएगा, और बिजनेस में भी छोटा छोटा बिजनेस या कुछ भी तरीके का जो बिजनेस है, हर बिजनेस में आपको लड़कियाँ ज़्यादा मिल जाएगा। ये वुमेन एम्पावरमेंट है या मजबूरी का कारण की वजह से ये लोग मार्केट में है, ज़्यादा बिजनेस में इन्वॉल्व है, ये एक चर्चा का विषय हो सकता है, क्योंकि गरीबी इस देश में है अभी भी, इसको अस्वीकार नहीं किया जा सकता है। तो जिसके कारण इस देश में लड़कियां बहुत ज़्यादा, वुमेन एम्पावरमेंट भी बोला जा सकता है, बट लड़कियां यहाँ पर बहुत ज़्यादा रास्ते पे इन द सेंस काम पे है, बिजनेस, छोटा छोटा बिजनेस। देखिए सारा बिजनेस लड़कियां ही संभाल रहा है, लड़का आपको बहुत कम देखने को मिल जाएगा, सिर्फ ओकाडा राइडर मतलब ये जो बाइक चलाने वाला, ये सारा लड़का मिल जाएगा, लेकिन ज़्यादातर बिजनेस में आपको लड़कियाँ मिल जाएगा। Okay, pay him more $10,000. No, $10,000.
देखिए ये है बिटर कोला, ये एक फल की तरह होता है और बहुत ज़्यादा खट्टा होता है। खट्टा नहीं, कुछ अजीब तरीके का उसका टेस्ट होता है और यहाँ का लोग ये फिर भी खा लेता है। This is Gary. So you want to buy Gary? Gary. और यहाँ पर फिर से मेरे को एक सीडी का दुकान मिल गया और ये सीडी का दुकान में मैंने जाकर के पहले पूछा कि कुछ इंडियन कुछ मूवी है, तो उन्होंने मेरे को कुछ दिखाया। ये देखिए ये है नोरा फतेह, कुछ डांस वांस का एल्बम वगैरह होगा। चलिए आगे चलते। देखिए मार्केट में जिस तरफ आप देखिएगा उस तरफ आपको सिर्फ बिजनेस वोमेन देखने को मिल जाएगा हर तरफ, क्योंकि लड़कियां यहाँ पर बहुत ज़्यादा एक्टिव है, मार्केट में भी घर में भी हर जगह पे। और घूमते घूमते मैं आ चुका हूँ एक कपड़ा का दुकान में मोबाइल का चार्जर लेने के लिए। आप सोच रहे होंगे कपड़े के दुकान में मोबाइल का चार्जर, यहाँ पर सब संभव है, हर तरीके का चीज संभव है यहाँ पर। Hi, how are you? What's your name? My name is Abaka. And you? My name is Alex. Okay, welcome. Thank you. Happy Christmas. Same to you. Thank you. Services. This is Bluetooth. How much is this one price? This one 300. I came from my brother's in US. US? Yeah. I'll give you these two. 300. 350, sorry. Yeah, not 350. Yeah, that's 350. Right. They cannot afford it. Two of them. 350. Yeah, last send you the orange one. Huh? Last send you the orange one. I know, but you cannot afford it. You are in my video, huh? You pay 350. So my Indian other brother will also come to your shop, huh? Yeah. So you. You are come. I'll pay you 350, yeah? No. Okay, I will take it 20,000. I'll give you 430. Okay, I'll pay you 400, last. Please. 400. Please, I'm begging you 430, please. Because of that one, it's so expensive. I don't know. Last check, my own wallet, how much you have? You make a motor, you send it to me. So, I'm going to make mobile money transfer. ये देश में मोबाइल मनी ट्रांसफ़र बहुत कॉमन है, बट यहाँ पर खास चीज़ ये है कि आपको मोबाइल पे इंटरनेट का ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ कुछ नंबर डायल करना होगा और उसके बाद इसको भेजना है, उसका नंबर डायल कीजिए, जितना अमाउंट भेजना है उतना अमाउंट डायल कीजिए और उसके बाद ऑटोमेटिकली वो अमाउंट उसके अकाउंट में उसके मोबाइल नंबर में क्रेडिट हो जाएगा। यहाँ पर इसका दो सबसे बड़ा कंपनी है, एक है ऑरेंज और एक है अफ्रीसेल। तो लिक्विड कैश कैरी करने से अच्छा है कि मोबाइल में पैसा लेकर के, क्योंकि एटीएम लेकर के चलना भी यहाँ पर एक मुसीबत है, क्योंकि एटीएम हर जगह है नहीं और हर जगह है भी तो वहाँ पर हो सकता है पैसा नहीं है, तो इसलिए मोबाइल मनी सबसे अच्छा ऑप्शन। लेकिन मोबाइल मनी में एक दिक्कत है कि आप अगर किसी को ट्रांसफ़र करें और उसको अगर कैश में निकलना है तो उसको एक कैश आउट चार्ज पे करना होता है। तो चलिए हो चुका है यहाँ पर और नीचे चलते हैं। Bujon Street? Yeah, it's Bujon Street. Okay. The beach is center of Bujon. The business center of Bujon. Okay. Bujon Street, Fenty Road, Wadama Road, alongside Wadama Road. Yes, it's the main center of Bujon. Okay. Yeah, business center, the business area. Okay. So this is Bujon Street, right? Yeah, Bujon Street. Oh, okay. तो अभी हम लोग शहर के बीचों बीच खड़ा है और शहर के बीचों बीच से आपको शहर का एकदम मार्केट का हर तरफ का नज़ारा आपको दिखा रहे हैं। ये है सियारा लियोन का वो शहर। तो अगर आप सियारा लियोन में जॉब करने के लिए आना चाहते हैं तो आप पहले से ही आपको पता चल गया कि सियारा लियोन का लोकल मार्केट कैसा होता है।
आपको इसके बाद डिसाइड करना है कि सियारा लियोन में आना है कि नहीं आना है, लेकिन मेरा राय मानिए तो आप आ जा सकते हैं। और आपको अगर ज़्यादा जानकारी चाहिए तो मेरे इस चैनल में और भी बहुत सारे वीडियो हैं। तो ये रहा सियारा लियोन का बो शहर, आपको कैसा लगा कमेंट पे जरूर बताइए। गिव मी ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट ए नथिंग आई विल गिव यू, आई ओनली गिव यू 200 लियोन। या इट्स क्रिएट आवर शो 20 या सो इट्स फॉर मी। या नाउ फॉर